वैशाली नगर स्थित मौलागंज मोहल्ले में भूमि विवाद के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक स्थानीय निवासी राम आशीष दास के पुत्र उपेंद्र दास की हत्या कर दी गई है। मृतक उपेंद्र दास उम्र करीब 32 वर्ष विवादित भूमि की देखरेख कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों से भूमि को लेकर दो पक्षों में तनाव चल रहा था, जिसकी वजह से जमीन की देखरेख करने वाले उपेंद्र दास की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि घटना देर रात के बाद सुबह की बताई जा रही है। वह इस घटना के बाद लोगों में बहुत ही आक्रोश देखने को मिला। घटना की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंची और लोगों को समझाने बुझाने में लगी है, परंतु आक्रोशित लोग एसएसपी साहब की घटनास्थल पर आने की मांग कर रहे हैं और शव को पुलिस के कब्जे में देने से मना कर रहे हैं। तो रखबार था वहाँ पर सोया हुआ है, रखबार आप देखिए वहाँ पर पूरा बाउंड्री टूटा है, उसको ईटा से थुर थुर के मारा हुआ है, तो जो बाउंड्री तो रहने वही ना थुर थुर के मारा कल उस पर रोक लगाया, तो मकान मालिक उस जमीन मालिक भी बोले कि रोक उस पर कौन लगाया, जो रोक लगाया वह भी तोड़ा है वही मारा है। कल शाम में थाना भी आया था, थाना के सामने में थाना रोक लगा के चले गए, थाना से एक सिपाही था उसके साथ, क्या इतना था पुलिस पहले भी आ जा रही थी यहाँ, मतलब विवाद पहले से चल रहा है, विवाद चलने के बाद देखते हैं इतना बाउंड्री हुआ है। चाची ये जमीन हकीकत में आप लोग कितने वर्षों से कौन देख इसका मालिकाना है? हम लोग तो जब से यहाँ से आए हैं तब से मनोज पूर्वे को जानते हैं। और दादा का भी टाइम में मनोज पूर्वे का, जब से हम लोग का शादी शुदा करके तब से सब खानदानी तो कहता है कि उन्हीं का है। कौन मारा था? कौन मारा उसको पता नहीं, कौन मारा, मामला क्या था? मामला जमीन वाला है, देखे वही कर रहा था, वही अब कखनी मारा कखनी क्या किया कुछ पता नहीं। सुबह कब मारा था? हम लोग भोरे आए थे तो देखे थे तो मरा हुआ पड़ा हुआ था, खेत में पड़ा था, खेत में पड़ा था। मामला क्या चीज के लिए हो रहा था? जमीन का मामला फंसा हुआ है बहुत। कब से फंसा हुआ था? एक महीना से लगा। किस पक्ष से हो रहा था? जमीन है वो, जमीन किसका है? जमीन है प्रदीप पूर्वे का, संजय पूर्वे, मनोज पूर्वे। जो मारा है वो कौन था जमीन का? यानी उग्रवाही करता था। अच्छा, कब घटना हुआ था? अब कब घटना हुआ, झगड़ा तो बहुत, मुझे रात में 12 बजे मारा, 1 बजे मारा था, हम लोग भोरे में देखे। क्या चीज से मारा था इसको? अब गर्दन चापे हुआ, कपार ईटा उटा से मारा, ईटा उटा से मारे हुआ है। क्या नाम आपका? शिवदास। ये कहाँ घटना हुआ था? मौलागंज वार्ड नंबर 6 है। यहाँ पर सुबह सूचना पुलिस को मिली थी कि एक व्यक्ति मृत पड़ा हुआ है। पुलिस आकर जांच की तो पता चला कि ये प्रदीप दुबे कोई है, मतलब कि पूर्वे, प्रदीप पूर्वे के जमीन का रखवाली करता था। आईसी का रखवाली करते हुए सुबह इसका डेड बॉडी मिला। अपने परिजन लोग हत्या की आशंका व्यक्त कर रहे हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। परिजन के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और आगे की प्रक्रिया की जाएगी। सर, मृतक का क्या नाम है? उपेंद्र दास। प्रथम दृष्टया में आपको क्या लगता है कैसी इनकी हत्या हुई होगी? प्रथम दृष्टया तो हम लोग पोस्टमार्टम प्राप्त करने के बाद ही बताएंगे कि क्या है, काउज ऑफ डेथ क्या है इसका। परिवार का आरोप है कि भूमाफिया के दौरान हत्या की। हाँ, सारे बिंदुओं पर, सारे एंगल पर जाँच किया जा रहा है। सारे एंगल जो एंगल अनुसंधान के क्रम में आएंगे उस सारे बिंदुओं पर जांच की जाएगी। सर, आवेदन किसके तरफ से लिया जाएगा? और अभी तक आवेदन मृतक के परिजन को बोला गया है कि आपको FIR का आवेदन दें और उनके देने के आधार पर ही बताया जा सकता है कि किन पर यह। सर, किस तरह मुआवजा मिलेगा मृतक को? मृतक अनुसूचित जनजाति से हैं तो उसके प्रावधान के तहत जो सरकारी मुआवजा का प्रावधान है वो सारी मुआवजा इनको दे होगा। सर, यह पुलिस को आक्रोश भी झेलना पड़ा है जैसा देखा गया यहाँ, संबंध में क्या कहना है? वैसा तो नहीं है, बट ये लोग अभी तक कथन नहीं कर रहे हैं। इन लोग को हम लोग समझा बुझा रहे हैं कि कानून में मदद कीजिए, कानूनी प्रक्रिया में आप हमको मदद कीजिए, जो अनुसंधान में आएगा वो सारी कार्रवाई की जाएगी। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा।
ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।